किया। युवाओं को प्रेरणा हर समय देते रहते हैं और इंडिया लेवल पर ग्वालियर का नाम रोशन किया है। माधव कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके, कई सारे पदों पर रह चुके हमारे नानू भैया, हाँ प्यार से नानू भैया, नारायण सिंह भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया जी टीवी पर हाँ देखा होगा आपने, हाँ क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया आपने देखा है, इनको देखा है, शूटिंग करवाई की है ना अंकल ने। अच्छा इन्होंने शूटिंग कराई थी, इवेंट है मेरी। तो आपने कौन सी संस्था खोली है? देखिए वर्तमान में रंग दे बसंती ग्रुप खोला है, जो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के लिए मेरा ये सोचना है। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुंबई नहीं जा पाते हैं। तो हम सभी ने ये प्रण लिया है कि चंबल अंचल को कहीं ना कहीं हम लोग जो सोचते हैं कि मुंबई जाने का स्वप्न हमारा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं ये रंग दे बसंती ग्रुप के सारे स्टूडेंट हैं और वर्तमान में रंग दे बसंती ग्रुप मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। ये छोटी सी आर्टिस्ट देखिए हमारी नन्नी सी, ये भी बेहतरीन आर्टिस्ट है, इसको भी सावधान इंडिया की स्टोरी की थी। और ये सारे बच्चे हमारे हैं और आज ये मेला घूमने आए रंग दे बसंती। और विवेक जी मैं कहना चाहता हूँ आपका ये कार्यक्रम हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी बस कोशिश है। जब मैं कॉलेज के समय में था तो नानू भैया मेरी बहुत मदद करते थे। यूनिवर्सिटी में 3 बार मैंने नेशनल प्राइज जीता मिमिक्री प्रथा में, भैया ने बहुत मदद की। 3 बार स्टेट जीता कॉमेडी में, जब भी तो लोग कहते हैं कॉमेडी किंग विवेक शर्मा, क्या कहते हैं कॉमेडी किंग विवेक शर्मा, जब भी तो मैं कॉमेडी किंग विवेक शर्मा लिखता हूँ, अनपढ़ एंकर हूँ, बस अनपढ़ तरीके से प्रोग्राम बना रहा हूँ आप सभी के लिए। और एक छोटी सी परफॉर्मेंस रंग दे बसंती।